कोटा में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में ही कोटा से इटावा जा रही बस बूंदी जिले के दहीखेड़ा थाना इलाके में माखीदा में एक नाले में फंस गई, जिसको कि स्थानीय लोगों ने पुलिस जवानों की मदद से निकाला है। इसमें दहीखेड़ा थाने के कांस्टेबल राम हेत ने अपनी जान पर खेलकर बस तक पहुंचे और रस्सी वहां पर बांधी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने एक एक कर बस में बैठी हुई सवारियों को रेस्क्यू किया है और उन्हें सकुशल बाहर निकाला है। ये बस अपने दहीखेड़ा की तरफ जा रही थी, कोटा इटावा चौपुर के लिए, तो जिसके पीछे पीछे आ रहे थे, तो मतलब ड्राइवर ने अपनी लापरवाही से कहे या कैसे भी पब्लिक की जान जोखिम में डाल के इसको नाले में उतार दिया। मैंने देखा कि इसमें लगभग बच्चे और महिलाएं सभी 30-40 के लगभग सवारियां थी, तो इटावा के लोग और मैं उधर पहली तरफ था। मैंने सोचा कि अपन उस तरफ चलेंगे, इधर से बहुत ज़्यादा कटाव कर रहा था, तो हमको पता चला कि यहाँ पे बस फंसी हुई है, तो हमने इनकी सहायता के लिए तो देखा, तो यहाँ अकेले सर रामे जी मेरा यहाँ प्रयास कर रहे थे, तो हमने उनका सहयोग किया और करीब रामे जी मेरा बहने के बाद भी वापस पुनः प्रयास के लिए जारी रहे और कम से कम 100 से 150 के बाद रस्सी फेंकने के बाद भी प्रयास जारी रहा हमारा, फिर अंततः हम उनको निकाल पाए और हमारा प्रयास संभव रहा। ड्राइवर ने भी सवारियों की जान आफत में बरसाती नाले में डालकर डाल दी। हालांकि 2.5 घंटे तक ये सवारियां बस में ही फंसी रही। वहीं जो लोग स्थानीय थे उनका कहना है कि बस में वजन काफ़ी था, इसके चलते लिए वो नाले में नहीं बही है। अगर कोई छोटा साधन होता तो वो बह जाता, साथ ही अगर तेज पानी का और बहाव बढ़ जाता तो भी बस बह सकती थी और इन सभी सवारियों की जान संकट में आ जाती। मनीष गौतम, ईटीवी भारत, कोटा।